मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। अच्छा लगा आज उनके यहाँ पर आया मैं, तो अच्छा लग रहा है उनको। जन्म मिले कैसे नहीं, मिले नहीं, अभी बाहर ही बैठे हम, बहुत देर से बाहर ही बैठे वेट कर रहे। मेरा दोस्त संदीप भी आया है। क्या कहना चाहेंगे सनी पाजी के लिए? हम यही कहना चाहते हैं उनका जो गदर 2 आया पूरा धमाल मचाए, और गदर 3 जो आएगा ना ब्लॉक बस्टर होगा, एकदम पूरा तोड़ के रख देगा। मैं यही कहना चाहता हूँ उसका, उनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे फॉर सनी देओल। उनके अच्छा सनी देओल की कोई मूवी का कोई डायलॉग है जो आपको याद हो जो कि हमसे शेयर कर सके गदर 2 के या तो गदर के? गदर 2 में जो सनी देओल का जो डायलॉग करता है, कौन सा भाई, कौन सा डायलॉग, कौन सा डायलॉग भाई वो जो वो तुमको पता होगा, तुम तो फैन हो ना सनी देओल के। बेटे जो आते हैं जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। मैं सनी देओल की आवाज में बोल सकता हूँ? हाँ, ये सनी देओल की आवाज में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलो है, पर लाइव है, स्टार्ट आप कर लाइव है। एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान रह जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को बीवी को अपनी माँ से मिलाने से कोई ताकत कोई शरत नहीं रोक सकती। मैं पाकिस्तान जाऊंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाजी से बहुत टाइम से मिलने की कोशिश में है पर नहीं मिल पा रहे, और उनका एक डायलॉग बोलना चाहूँगा। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के इसके आकार बदल देता है। एंड लव यू सनी पाजी। काफी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो मिलने के इंतजार में हैं, मगर दरवान लोग जाने नहीं देते। यस, बिल्कुल सही। जो मेन डोर वाला है वही अंदर को जाने नहीं दे रहे हैं। अभी क्या करेंगे, उनको तो पता ही नहीं है। अभी देखें, इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? मुलुंड, बॉम्बे। बॉम्बे से? ये मैंने हाथ से बनाया है, अपने हाथ से। उनके लिए विश है, इस साल के लिए चीजें हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से उनकी पिक्चर चली है, हिट हुई है, और आज लोगों के अंदर एक एक एनर्जी पैदा हुई और वो लोगों को एक बूस्ट देते हैं, तो लोगों का भी जो फैंस है आज उनको जन्मदिन के लिए एक तोहफा के रूप में आए हैं। सब विश करने के लिए आए, लेकिन एक महसूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कारण क्या है, यहाँ के जो लोग हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। वो कॉपरेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके दरबार हैं। मैं इस माध्यम आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि उनके जो दरबार हैं वो पैसा लेके अंदर आदमियों को छोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। आज जबकि हम उनके उसके लिए आए, फैंस लोग हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, और एक उनका भी दायित्व होता है कि हम लोग फ्रेंड्स को मिलें। आप दिखाने की कोशिश करें, मैं उनको बिताऊंगा, और मैं अनिल जी को भी बोलूंगा डायरेक्ट, अभी अंदर गए हैं मेरे, मैं पर्सनल उनके पास जाके ये चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स जाने कहाँ कहाँ से है, कोई अहमदाबाद से आया, कोई गुजरात से आया, कोई बॉम्बे से आया मिलने के लिए। आज फ्रेंड्स है तो वो है, अगर फ्रेंड्स ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा? तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है, आज हम उनको दिल से ये दुआ करते कि हैप्पी बर्थडे सनी देओल जी, जन्मदिन के खास तोहफे पर उनको ये शुभकामनाएं देता हूं मैं अपने परिवार की तरफ से, मुलुंड सिटीजन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, सनी देओल फैंस क्लब की तरफ। इन्हीं शब्दों के बाद आप कहां से आए? मैं पंजाब से आया हूं जी, आज के दिन के लिए। मैं तो, मेरे को तो मालूम नहीं था, मैं कल आया था धर्मपा जी को मिलने, पिताजी को, तो सनी जी भी मिल जाती, कोई बात नहीं। और वहाँ जो आदमी उनके सिक्योरिटी वाले हैं ना, किसी को मिलने नहीं देते, सारा दिन में वहाँ बैठा रहा, वो बोलते है नहीं, तो मिलने देते नहीं। तो मैं देखो 3,000 किराया खर्च के आया हूँ यहाँ मिलने के लिए। हमारा तो जो घर था ना, बाढ़ आई तो सब डूब गया है, तो मैं तो किसी काम के लिए आया था, मैं मिलेंगे कोई बात करेंगे शायद कोई, लेकिन वो मिलने नहीं देते, ना इधर मिलने देते हैं ना उधर मिलने देते। अच्छा, मिलने का कुछ क्या कहना चाहेंगे सनी पाजी को? उनको मिले आपसे तो मिलो तो उनको तो पहले तो पहले तो उनको यही कहने जाएंगे हैप्पी बर्थडे टू जी, बहुत बहुत मुबारक। तो उनकी फिल्में देखते हैं, 50 साल फिल्में देखते तो हो गया धर्म पिताजी से, मेरे पिता बराबर हैं, मेरी उम्र सनी के बराबर ही है। उनका जन्म 57 का है, 57 का मेरा है।
लेकिन हम बूढ़े गरीब आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता दिखाई देता है, है? लेकिन मैं आया मिलने था तो पिताजी मिल जाते तो बहुत उनकी मेहरबानी थी, लेकिन वो जो उधर सिक्योरिटी वाले खड़े हैं वो मिलने नहीं देते किसी को, क्या करें? अब नाराज़ होकर जा रहे हैं, आज की गाड़ी पकड़ लेंगे, क्या करना है? गुरुद्वारा में रहे हैं तो आज का दिन उधर भी 100 रुपये रोज का किराया लगता है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा गेटअप में आए हैं बर्थडे पे? अरे हमने इधर ही से ये कपड़े वगैरह पहना था ना, तो फिर ये बर्थडे के लिए हम लोग मिलने आए, लेकिन उधर बहुत भीड़ थी इसलिए हम लोग मिल नहीं पाए। अंदर गए थे? हाँ। सामने वाले निकल, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा सनी पाजी सा कोई भी नहीं है दुनिया में, और हिंदुस्तान के असली हीरो हैं, असली देशभक्त, और आज उनका जन्मदिन भी है, हम कहेंगे वो जिए हजारों साल, साल के दिनों 50,000। और सनी पाजी की सबसे खास बात है हर किसी से मिलते हैं, बहुत बड़ा दिल है उनका, मैं अभी तक बताऊं कम से कम 50-60 बार मैं मिल चुका हूँ, जब भी जाता हूँ हर बार मिलते हैं, पूरी फैमिली अच्छी है, देओल फैमिली जैसा दिल हमें लगता है बॉलीवुड में किसी का इतना बड़ा नहीं है, जो अपने फैंस का दिल खोल के स्वागत करते हैं, गले लगाते हैं। बढ़ना मैंने देखा है लोग क्या होते हैं, मिलने जाते हैं दूर से, कहते हैं टाटा बाय बाय, लेकिन देओल फैमिली जैसा दिल किसी का नहीं है। और सनी देओल की जो गदर 2 मूवी है उसने साबित कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर एक हीरो है जो आज भी कम बैक किया है 67 की एज में, वो है सनी पाजी, उनके जैसा कोई नहीं है। 66 आज है बर्थडे उनका। मैं बोलना चाहूँगा सनी पाजी जैसे पूरे वर्ल्ड में कोई हीरो नहीं हो सकता, वो उनका दिल बड़ा है और देओल फैमिली का पूरा दिल बड़ा है, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता हीरो, वो रियल हीरो है। लेकिन पंजाबी वाला रोशन किया है, फैंस की कंप्लेन है कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो मिला जाएगा अभी थोड़ा, उनका सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उनका टाइम वगैरह भी मिलने को मिलेगा, प्रोवाइडर मिलेगा सबको मिलने दिए, तो ऊपर से उनको बोला है रुकने के लिए, इसीलिए मिलना मिलेगा उनको। किस किस को आज़ादी दिलाओगे तुम? अगर आज बात आ जाए हिंदुस्तान जाने की तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, हाथ में कटोरा आ जाएगा, मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी। मुझे एक महीना हो गया यहाँ पे पड़ी हुई हूँ, कभी उधर कभी उधर, मुझे एक महीना हो गया मेरा ट्यूबी से आई हुई हूँ, और कभी इधर कभी उधर गार्ड सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलने देते, मैं मदद के लिए आई, मेरी बेटी कोमा में, मेरा बैग भी चोरी हो गया, मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया, यहाँ तक कि मुझे घर जाने का भी किराया नहीं है, मैंने मदद मांगने के लिए एक महीने से पड़ी यहाँ पर, तो किसी से बात नहीं हुआ था? नहीं, किसी से नहीं हुई, इधर आती हूँ तो इधर सिक्योरिटी गार्ड ये कहते हैं चलो 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 कैमरा चल रहा है, उधर जाती हूँ तो उधर भी कि ये कोई मदद नहीं करते, तो इसका मतलब गरीब आदमी की नहीं सुनने के, बताओ सर एक महीने से पड़ी मैं यहाँ पर अपनी बच्ची को, मेरी बच्ची कोमा में है, मदद के लिए आई थी मैं, एक महीना। वो एक्चुअली पनवेल से पैदल आए थे, वो अपाहिज भी है, और सनी देओल से सर से मिलने आए, और इनके पास एक आई कार्ड भी है अपाहिज का, तो वही सनी देओल का फैन है करके बोल रहे हैं। भूषण वो बहुत ही सनी पाजी के बर्थडे के लिए, और इस साल बड़ा खास है क्योंकि गदर 2 बहुत बड़ी हिट भी हुई थी, तो हम चाहते हैं कि हम सबकी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दें, और एक डायलॉग सनी पाजी के गदर का बोल दिया जाए तो मैं वो यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाओगे आप लोग, हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है, दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए देते तब जाके आपके सर पर तरपाल आई थी, बरसात से बचने की हैसियत नहीं, और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सनी देओल के लिए और भी कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सनी देओल सर हमारे लिए इसलिए भी आइडल है कि बाकी सब लोग हीरो तो सिर्फ एक हीरो ही हैं, लेकिन सनी सर जब स्क्रीन पे आते हैं तो थिएटर के अंदर भी हिंदुस्तान जिंदाबाद या फिर भारत माता की जय जैसे नारे लगते हैं, तो उससे हमको भी बहुत ही उत्तेजक हो जाते हैं हम लोग भी, और
और इससे पता चल जाता कि वो कितने पैट्रियोटिक है और हम लोगों को इसलिए उनकी पिक्चर अच्छी लगती है और इसलिए हम लोग उनके फैन हैं। हीरो जो ऐसे मौके पब्लिक को देते हैं, इनको थिएटर में ये पब्लिक को ये मौके देते हैं कि वो भारत माता की जय के नारे सुनाई दिए जाए। हाँ। अच्छा बर्थडे विश कर दीजिए जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शनिफा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तारा सिंह।